जमीन छीनी जाएगी। लोकतंत्र में क्या इतनी शक्ति है, कानून व्यवस्था में इतनी शक्ति है कि उसका गर्दन किसी माफिया, किसी भू माफिया, किसी कोयला माफिया, किसी दबंग के गर्दन तक जाएगा? वास्तव में अगर लोकतंत्र है और वास्तव में कानून की ढांचा है और कानून से अगर देश चलता है, जो कानून सबके लिए बराबर है, जो भारतीय संविधान आर्टिकल 14 भी बकायदा कहता है विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, और वास्तव में अगर कानून सबके लिए बराबर है तो हम लोग देखना चाहेंगे कि माफियाओं की गर्दन तक हमारा कानून कैसे पहुंचता है। लोग कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये कानून के हाथ कितने लंबे हैं जो माफियाओं की गर्दन तक पहुंचते हैं, हत्यारों की गर्दन तक पहुंचते हैं और अभी फिलहाल उनकी गर्दन तक पहुंचे जिन्होंने कल बमबारी किया है। प्रशासन की उपस्थिति में, सीएसएफ की उपस्थिति में, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, थाना प्रभारी की उपस्थिति में कल बम फूटा है और ग्रामीण डर के साये में है लेकिन बात बोलने वाला कोई नहीं। बकायदा फिर से जानकारी देना चाहेंगे, ये जो हमारी जमीनें अधिग्रहण किया गया है ये लगभग बिना रजिस्ट्री के किया गया है, बिना विस्थापित किए किया गया है, बिना मुआवजा दिए किया गया है, बिना हमें नियोजन दिए किया गया है। और कम से कम आप जो भी केंद्र की समितियां हैं, अगर इस गांव में अगर एक रात रह लेगी, एक रात भोजन कर लेगी, पानी पी लेगी, तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग दामोदर नदी में नौका पकड़ के कहीं चल के बस जाएंगे। ये गांव हमारा है, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से सींचा है, लेकिन आज हम लोग डर के साये में हैं। डर किसका है पता नहीं, कोई एलबी सिंह है, लाल बाबू सिंह, लोग डरते हैं उससे, डर रहे हैं लोग। लेकिन मैं आज स्पष्ट करना चाहूंगा, कब तक डरोगे रैयत लोग, कब तक डरोगे, किससे डरोगे? इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई नहीं आया है, सिकंदर भी खत्म हुआ है, यहाँ के पंछियों का हाल सब मर चुके हैं, ये मोर का पंख मिला है, बहुत सारा यहाँ बहुत सारे मोर रहा करते थे और ये ग्रामीण बता रहे हैं कि मोर ये मरने के बाद ये पंख कहीं उन्हें मिला, 100 से 150 की संख्या में मोर समझ रहे हैं ना आप। हम लोग तो पढ़े थे कि द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, आज भी है ना, अगर पीकॉक अगर आज भी नेशनल बर्ड है तो अगर किसी कंपनी के कारण और भी निज उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, टेंडर पे चल रहा है, यानी एक निजी व्यक्ति, अब कंपनी भी भारत की कहां, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे दी है, एक निजी कंपनी जिसके ओनर शायद एलबी सिंह है, अगर इतने लोगों की, इंसानों की हत्या के साथ साथ इस कंपनी के माध्यम से, प्रदूषण के माध्यम से अब नेशनल बर्ड की भी हत्या हो रही है, तो मुझे लगता है लोकतंत्र इतना कमजोर है क्या? भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि उसके ऊपर एलबी सिंह है? ये देखिए मोर का पंख मिला है। बकायदा अगर इस जमीन को आप टटोलेंगे तो बहुत सारे ऐसे पक्षी पशु मिलेंगे जिनकी हत्या केवल इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ से प्रदूषण निकलता है, बहुत ही मने बेरहमी से यहाँ खनन का कार्य किया जा रहा है। ये केजीएफ मुझे लगता है रोज झारखंड में देखने को मिलेगा, तो इसलिए मेरा मानना है, मेरा संदेश होगा, खासकर मैं अक्सर अपने जब भी मैं भाषण देता हूँ तो मैं वहाँ स्पष्ट कहता हूँ कि जो दामोदर नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उन्हें कम से कम हम दो, हमारे दो नहीं हमारे तीन, लोग हंसते हैं कभी कि ये टाइगर क्या बोलता है, मैं सही बोलता हूँ। आज हमारे घर में तीसरा बेटा हो चाहे तीसरी बेटी हो, उसे पैदा करना होगा, उसे अंधेरे में रखना होगा, उसे स्कूल कॉलेज की दुनिया से दूर रखना होगा, उसे एडमिट कार्ड राशन कार्ड से उसका नाम दूर रखना होगा, उसके हाथों में हथियार देना होगा, नहीं तो मैं बहुत बुरा देख पा रहा हूँ। आज क्या कहें हम, क्या आज 1.5 सालों से हम लोग इतना दर्द देखे हैं, इतना तकलीफ देखे हैं और निजी चंद मुट्ठी भर लोग करोड़ों कमा रहे हैं, हमें मौत में सुला के, हमें मौत की नींद सुला के चंद लोग, मुट्ठी भर लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ये कैसा देश है, ये कैसा लोकतंत्र, ये कैसा संविधान है जहां हमें मुर्दा करके, हमारी जान मारकर, हमारे खेत बंजर करके, खेत बंजर तो छोड़िए, खेत में डंपिंग है, ये जो बैठे हैं ये लगभग जमीन से लगभग हम लोग 200-250 फीट ऊपर हैं, जहां हम लोग बैठे हैं और ये घसक भी रहा है, यानी हम लोग जहां बैठे हैं रिस्की जगह बैठे हैं, हम लोग बकायदा रिस्की जगह बैठे हैं, यानी ये कैसा कानून है भाई कि ये जमीन हमारी है, यहां जबरन कोयला कोड़ने के बाद जो कचरा होता है पत्थर, यहाँ जबरन डिंगाया गया है, डिंगाना समझते हैं ना, मैंने डंपिंग किया गया है जबरन, क्योंकि ग्रामीण संबंध उनका केंद्रीय मंत्री से है ना, एलबी साहब का संबंध केंद्रीय मंत्री से, भाई कौन उनसे लड़ पाएगा? तो इसीलिए ग्रामीणों को हम यही कहेंगे, कानून में, प्रशासन में वो शक्ति नहीं दिखती है, यदि अपने आप को बचाना है, हम भी एक पढ़ा लिखा छात्र हैं, संविधान की बात करते हैं, आज भी करेंगे, एक बार संविधानिक, हम लोग संविधान के ही नाते धरना पर बैठे हैं, लगातार अपनी आवाज़ को रखते हैं, डीसी का लेटर है हमारे पास एसडीओ का लेटर है, तमाम सीओ का वेरीफाई किया गया कि ये ज़मीनें हमारी है, ये ज़मीनें हमारी निजी ज़मीन है, ये किसी के बाप की ज़मीन नहीं है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आज जो यहाँ तांडव हो रहा है, इस तांडव को देखने के लिए शायद कोई हुक्मरान उसकी नज़र नहीं गड़ रही है। इसलिए आज कठोर शब्दों में, मजाक में लें,
हंस के उड़ा दें या फिर जिस प्रकार इस बात को लें, हम दो हमारे दो नहीं है, तीसरा पैदा कीजिए और तीसरा को ट्रीट कीजिए, ये उसके हाथ में हथियार होगा। ये कानून की व्यवस्था आपकी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। बस BCCL का फुल फॉर्म भारत कुकिंग कोल लिमिटेड नहीं है, काहे नहीं समझ रहे हैं? BCCL का फुल फॉर्म आज भी ब्रिटिश कुकिंग कोल लिमिटेड है। ब्रिटिश से भी बुरा असर है। ब्रिटिश लोग में भी दिल था, मैं मानता हूँ ब्रिटिश लोगों में दिल था, इनसे बेहतर दिल था। वे लोग हमें लास्ट में मारने पीटने के बाद कानून बनाते थे। ब्रिटिश लोग हमें मारने पीटने के बाद, हमें जेल में डालने के बाद, हमारे गर्दनों को काटने के बाद बकायदा कानून बनाते थे कि इनकी जमीनों को ना छुआ जाए। लेकिन भारत सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, कोई विस्थापन आयोग नहीं बना, एक ढंग का विस्थापित नीति नहीं बना जो हमारे लोगों को सुरक्षित कर सके। इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, अगर खून खोलता है इस दृश्य को देखकर, हमारी बातों को सुनकर, तो मुझे लगता है हम हर जगह जयराम महतो क्यों जाएगा। हर घर से निर्मल दा सुनील दा बनकर सामने आओ, हथियार उठाओ, आखिर जैसा भी पड़े अपने आप को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, तो अपनी माय माटी को बचाने के लिए तुम्हें हथियार उठाना पड़े, उठा लो। तीसरा बेटा पैदा करना पड़े, तीसरी बेटी पैदा ना करना पड़े, कर लो। उसके ना हाथों में ना एडमिट कार्ड होगा, ना राशन कार्ड में उसका नाम होगा, ना किसी स्कूल कॉलेज में उसका एडमिशन होगा। उसे बंद कमरे में रखिए और रोज इसी तरह जहाज टांड ला के देख उसके दर्द की दास्तां को सुनाइए कि किस प्रकार हमारे साथ अन्याय हो रहा है। एक निजी व्यक्ति को लाभ देने के लिए इतना अन्याय, हमें मौत के साये में, हमें जामारा जान मारा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है भारत के लोकतंत्र का, ये दुर्भाग्य है भारत की राजनीति का, ये दुर्भाग्य है भारत की कानूनी व्यवस्था, ये दुर्भाग्य है भारत के सर्वोच्च संविधान का जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मैंने इसीलिए कहा सबको सम्मान मिला, सबको हितार्थ मिला, सबको रक्षार्थ मिला, लेकिन जो किसान है आज जबरन उनकी जमीनें छीनी जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी चल रही है, जिस प्रकार उस समय मनमानी होती थी आज भी हो रही है। विशेष हम लोग यहाँ आंदोलन के माध्यम से पहुंचे हैं, मुझे लगा अपनी बात को रखना चाहिए, इसलिए मीडिया के साथ साथ अपने लाइव पेज के माध्यम से हम इस बात को रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं इस पीड़ा का अनुभव आप जहां से सुन रहे हैं, आप जहां बैठे हैं, आप इस पीड़ा का अनुभव कर रहे होंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।